सेना द्वारा रास्ता बंद करने से नाराज होकर दानापुर विधानसभा इलाके के लोदीपुर चांदमारी में स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा सड़क हमारा अधिकार, लड़कर लेंगे अपना अधिकार, इसी नारे के साथ सड़क बचाओ आंदोलन एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तत्वावधान में मंगलवार को छात्रों एवं ग्रामीणों के द्वारा 48 घंटे का भूख हड़ताल शुरू किया गया। दरअसल लॉकडाउन के समय से ही सेना के द्वारा लोदीपुर चांदमारी बैरक संख्या 1 के मार्ग को सेना द्वारा कटीले तारों से अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे इस मार्ग से होकर जाने वाले ग्रामीणों को 6 से 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लोदीपुर चांदमारी गांव जाना पड़ रहा है, जबकि इस मार्ग से जाने पर 300 मीटर का रास्ता ही तय करना पड़ता था। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है, जिस समस्या की तरफ हम लोग लगातार, हम और विधायक दोनों प्रयासरत हैं, और काम तो कुछ हुआ है मगर पूर्णतः काम नहीं हो पाया है। मैं अभी भी 3 दिन पहले माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और उनका ध्यान आकर्षित करवाया है। मैं समझता हूँ कि लगातार उनका सहयोग रहा है। पहले भी रक्षा मंत्री जी ने ही हमारी सरकार में ही ये जो बहुत 10-12 साल से रोड बंद था उसको खुलवाने का काम किया गया था, मगर फिर सेना के, मैं कह सकता हूँ कि गलत तरीके से ये सब सड़कों को पुनः बंद कर दिया गया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता की समस्याओं को इग्नोर करते हुए, और कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है कि सेना के लोगों ने ज़बरदस्ती, ये सर्वे रोड है और 100 वर्ष से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक अधिकारी जो प्रतिष्ठा का इशू बनाए हुए है, इसके वजह से नहीं खुल रहा है। और रक्षा मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है, मैं तो CD से भी मुलाकात की थी, मैं लगातार प्रयासरत हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले वक्त में ये सड़क खुलेगा, ऐसा मुझे भरोसा माननीय मंत्री जी के माध्यम से दिया गया। वहीं इस मुद्दे पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि इसको लेकर रक्षा मंत्री से बात हुई है, जल्द ही कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। लोदीपुर चांदमारी जो सड़क है, मात्र 300 मीटर की दूरी लोगों को जाना पड़ता था, उसे 6 से 8 किलोमीटर अब जाना पड़ रहा है, रास्ते को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ पिछले दिनों कई सारे छावनी क्षेत्र में रास्ते को जबरन मिलिट्री के द्वारा बंद कर दिया गया है। हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार से कि हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई, कई मरीजों की इस दरमियान जाने गई है, बहुत सारे किसानों को आर्थिक स्थिति उनको काफ़ी ख़राब हुई है। इस कोरोना काल में जब आपदा का समय था, उस आपदा को अवसर बनाते हुए मिलिट्री ने बंद किया और बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार चुप है। हम लोग पूरे मसले को, हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और लोदीपुर चांदमारी सड़क बचाओ आंदोलन के बैनर तले, आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि किसी भी सूरत में इस आंदोलन को हल्के में लेने का जरूरत नहीं करें, नहीं तो जो विद्यार्थी और ग्रामीण जो भूख हड़ताल पर बैठ सकते हैं, आने वाले दिनों में सरकार की नाकों में दम कर सकते हैं। और निश्चित ही रास्ता खोलना पड़ेगा, जब तक रास्ता नहीं खुलता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम साफ साफ मांग करते हैं कि लोदीपुर चांदमारी सड़क को तत्काल खोला जाए, साथ ही साथ इस इलाके के अंदर में जितने बंद रास्ते हैं उसको खोला जाए। सेना और आम लोगों के बीच जारी जंग में जीत किसकी होती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सैनिकों को यह बात समझनी चाहिए कि उस रास्ते का उपयोग भारत के लोग ही करते थे, न कि कोई आतंकवादी। यह वही लोग हैं जिसकी सेवा और सुरक्षा में आप सब लगे। लाइव इंडिया के लिए दानापुर से सोएब खान की रिपोर्ट।